सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एक्चुअली आज है 31 मई और मैंने जो वो वाला इससे पहले जो वीडियो पोस्ट किया था, मतलब एक्चुअली वीडियो शूट किया था, वो था 19 मई को। ऑलमोस्ट 11-12 दिन लगा मुझको गाड़ी मिलने में। आज गाड़ी मिला मुझको अभी, देखो। हालांकि गाड़ी में जो टाइम है वो 1 घंटा ज़्यादा दिखा रहा है। मुझको जो है क्लॉक को रिसेट करना है 5:50 नियरली। सो मेरा गाड़ी ऑलमोस्ट मतलब रेडी हो गया। और हियर द बिल, मेरा नियरली 40,000 का जो है बिल आया है, जहाँ से मुझको देना पड़ा नियरली 1400 रुपीज़ को। और ये देखो, ये जो है जो जो चीज़ इधर देखो, ये है टोटल 40,058 रुपीज़ टोटल बिल आया है। और ये जो है सारी चीज़, मतलब एक्चुअली मेन जो पार्ट है वो है रियर टेल गेट, राइट साइड का जो रियर लैंप है टोटल सेट, एंड रियर बम्पर, फ्रंट बम्पर जो लोअर साइड है, और उससे ऊपर जो ऑरेंज वाला जो बम्पर है वो, और रियर बम्पर के ऊपर में राइट साइड पे एक जो फाइबर का पार्ट आता है वो चीज़, ये सब मिला के ऑलमोस्ट 40,058 रुपीज़ का बिल आया, जहाँ से मुझको 1500 रुपया देना पड़ा। और थैंक्स टू दैट डैश कैम, इससे पहले वीडियो में मैंने बोला था जी हाँ ये डैश कैम ठीक ठाक नहीं है, और मैंने एक्चुअली उस टाइम पे एक्चुअली एक्सेस कर नहीं पाया था। बट हाँ, उसके बाद क्योंकि मतलब जब आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो आपका एक साइड का ही मिलता है, मतलब जिस साइड पे ज़्यादा होता है उस साइड का ही मतलब क्लेम देता है। उसके अलावा अगर दूसरे कोई साइड का आपको लेना चाहिए तो इसके लिए पुलिस का FIR या कोई भी मतलब एविडेंस देना पड़ेगा। सो इसके लिए शोरूम से मुझको कॉल आया था, एंड उसके बाद मैं शोरूम पे आके लैपटॉप लेके बैठा था। नियरली 30 मिनट्स लगा मुझको, एक बार रिसेट किया चिप निकल के, चिप डाल के, चिप निकल के लैपटॉप में देखा, वहाँ पर फाइल सपोर्ट मतलब शो नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर से मैं ऐप ओपन करके देखा, तो देखा मतलब पुराना जो जो फुटेज था वो आ गया था। सो मैंने इस वीडियो पे मैं जो वो फुटेज डाल दूंगा कैसे क्या हुआ था चीज़। नियरली उस टाइम पे मेरा 35 का स्पीड था। सो दिस इज़ द थिंग, एंड उसके लिए जो सामने का जो पार्ट था वो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया था, नहीं तो मैंने तो ऑलमोस्ट कराने नहीं वाला था, क्योंकि छोटा मोटा कुछ स्क्रैचेस था तो इसके लिए। सो अभी के लिए ऑल गुड। या एंड डिजिट जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो मैं बोलूँगा मतलब सर्विस एक्सपीरियंस एक्चुअली टू गुड, एंड मतलब यू कैन से कि ठीक ठाक है, कोई भी उतना दिक्कत नहीं आया। एंड सेकेंड थिंग, TC मोटर्स में भी मैंने ये इंश्योरेंस का काम कराया तो उतना कोई दिक्कत नहीं आया था। हालांकि 2-3 दिन पहले मेरा गाड़ी मिल जाता था, बट हाँ ये डैश कैम का फुटेज एंड वो सामने वाला जो हिस्सा है, वो हिस्से का जो जो चीज़ है वो एक्चुअली प्रोसेस करने में थोड़ा सा और टाइम लगा, तो इसके लिए 10 दिन से ज़्यादा लगा टाइम, नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर गाड़ी दे देते थे अगर सिर्फ पीछे वाला हिस्सा होता था तो। सो या दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ। मैं बाहर जाके दिखा देता हूँ कैसे क्या है। ये देखो मेरा रियर टेलगेट, रियर बम्पर नया है, वो जो एक्सेसरीज का जो जो चीज़ मेरा पुराना था वो फिट से मैंने इधर किसी मोटर से भी फिट कराया, इसके लिए 1000 रुपया ज़्यादा लिया। ये वाला पार्ट और ये भी टोटली चेंज हुआ है। और सामने में देखो ये बम्पर का ये वाला हिस्सा एंड ये वाला, ये दोनों चीज़ चेंज हुआ है। सो या दैट्स इट फॉर नाउ, मतलब